अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम करने से रोका गया है। अभी ये बात गवर्नमेंट एंड कमीशन को क्लियर करनी है कि कौन से काम करने से रोका गया है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अनाउंस हुआ रिजल्ट लेक्चरशिप का, तो ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया कि आप काम बंद कर दें। वो कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स जो लोकल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे जॉब्स के, तो उनको अपनी प्रिपरेशन वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये टेम्प्रेरी क्लोज कर दिया गया है। कोई इनका इंटरव्यू हो सकता है यहाँ पर, केस को क्यों क्लोज कर दिया गया है, बट आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। एग्जाम आपका एक मंथ में भी हो सकता है और 20 दिन में भी हो सकता है, तो यहाँ पर कोई भी बात जो है ना श्योरिटी किसी को भी नहीं कि कितने काम से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रोका गया है। हाँ, यहाँ पर यह बात बनती है कि जो हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पहले भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉल करवाया था, वो अपना रोल निभाए। ये बार बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, कभी कोर्ट के थ्रू तो कभी गवर्नमेंट एंड कभी जो इंटरनल यहाँ पर करप्शन हो रही है इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के लोग कर रहे हैं, उनको यहाँ से निकालना चाहिए। अब आपका रोल बनता है, पढ़े लिखे लोगों का रोल बनता है, ये आपका इदारा है। वो जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन करके कोई अपना है डेस्टिनेशन अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, यहाँ पर उनका रोल है। जो समझते हैं कि वो कमीशन करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर उनका रोल होगा कि इसको प्रॉपर काम करने के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि बार बार इसको ऐसे क्लोज ना किया जाए, करप्शन का यहाँ से खात्मा होना चाहिए, यहाँ पर मेरिट का बाल बोला होना चाहिए कि यहाँ पर मेरिट हो। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से यहाँ पर पीसीएस का एग्जाम हुआ एक, उसको आई थिंक 17 से 18 मंथ हो गए, उसका रिजल्ट नहीं आया। अब क्यों रिजल्ट नहीं आया, ये भी बात गवर्नमेंट को क्लियर करनी है, इंस्टीट्यूशन को क्लियर करनी है कि रिजल्ट आप क्यों अनाउंस नहीं कर रहे इतने देर से। और दूसरा, एज की जो रिलैक्सेशन है वो सिंध में बहुत कम है, क्या इस तरीके का भी है जो है रिमेनिंग प्रोविंसेस की जो कमीशन से उनके साथ में होता है, वो भी बार बार क्लोज हो जाती है, उनका रिजल्ट ऐसे 2-2 ईयर तक जो है पहले तो अनाउंस नहीं होता, अनाउंस होने के बाद कोर्ट में चेंज हो जाता है। क्या कभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ऐसा हुआ है, तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बातें काबिल फिक्र हैं, काबिल गौर हैं। अगेन, जो कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट की जॉब के लिए एंड जो अपकमिंग आपके पीसीएस की जो एडवर्टाइज आने वाली है उसके लिए, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। कभी भी इसको फॉल बना देंगे ये, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। अगर आपने बुक्स छोड़ दी, आपने तैयारी करना छोड़ दी, समझो आपने हर एक चीज़ से गिव अप कर दिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, टेस्ट कब भी हो सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ें, उसको कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।